जय श्री गणेश। तो आज मैं आपके साथ गणपति स्थापना का पहला और दूसरा दिन का वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ पर शाम का टाइम है, फर्स्ट डे का यानी कि 31 अगस्त के शाम का टाइम है। तो यहाँ हम कर रहे हैं आरती। तो अभी अंशु के पापा जो हैं वो ड्यूटी गए हैं, तो हम तीनों ही यहाँ पर बैठ के कर रहे हैं पूजा अर्चना। और तो भोग के लिए मैंने यहाँ पर अभी जो सुबह भोग लगाया था दिन में और उसको मैंने यहाँ से हटा लिया। अब दूसरा जो भोग वो लगा दूँगी और अब यहाँ पर हम करेंगे पूजा पाठ, आरती शुरू करेंगे। तो बच्चों को भी अपने साथ बिठाया मैंने ताकि वो भी कुछ सीखें। मस्तक सिंदूर सहे मोत की सवारी, अंदन को आँख देत कोई को काया, बाजन को पुत्र देत वीरन को माया, दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी। बक्कर तुमने भी गाओ उसके गाने से पहले गाने वक्तुंड महाकाय सूर्य कोटि सम पव विघ्नं देव सर्वकारेषु सर्वदा और यहाँ पर ना पीयू गुस्सा हो गई थी, वो कह रही थी सिर्फ मुझे गाने तो मैं ही गाऊंगी पहले, तो बस वो गुस्सा होकर चली गई यहाँ से। तो अंशु जाएगा उसको मनाने के लिए, तो अंशु उसको मनाने के लिए गया है, तो अभी आ जाएगी बस थोड़ी देर में। तो ऐसी बच्चे छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं और पीयू ज़्यादा ही गुस्सा हो जाती है छोटी छोटी बात में, मतलब उसको जो करना है तो वही गाएगी। तो बस उसको ये था कि मैं ही गाऊंगी और कोई नहीं गाएगा, तो मुझे पूरा आता है कि मैं ही गाऊंगी। तो अंशु उसको मनाने के लिए गया है। और अब जो है ये नेक्स्ट डे यानी कि 1 सितंबर का व्लॉग है और ये मॉर्निंग का टाइम है। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, 6:30 का आसपास का टाइम हो रहा है। बच्चों को जाना है अभी स्कूल, तो स्कूल जाने से पहले ही मैंने यहाँ पर जो बच्चों के साथ जो है आरती वगैरह करनी है, तो मैंने बच्चों को उठा दिया है जल्दी थोड़ा सा। और यहाँ पर अंशु पापा भी उठ चुके हैं, तो हम चारों मिलकर जो है पहले पूजा करेंगे, फिर बच्चे अपना अपना स्कूल जाएंगे।
तो बच्चों को इस तरह से हैबिट भी रहेगी, कुछ अच्छा सीखेंगे और इस तरह से उनको भी कुछ अच्छी शिक्षा मिलेगी आगे के लिए कि हमें पूजा पाठ के जो है। तो बच्चों को मैंने यहाँ पे जल्दी उठा दिया था थोड़ा सा, और थोड़ा टाइम है अभी उनको, बस उनको फटाफट से जो पूजा करने के बाद उनको नाश्ता वगैरह कराकर मैं उनको। और बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं गणेश जी के घर से घर में आने से, तो बहुत ज़्यादा खुश है। तो यहाँ पर जो है मैं सारी पूजन सामग्री भी मैं अभी बदल दूँगी, जो मैंने फूल वगैरह चढ़ाए हैं माला वगैरह, तो वो सब मैं जो है यहाँ पर बदली कर दूँगी और दूसरे नए वाले लगा दूँगी, मतलब दूसरा धूप और फ्लावर्स जो फूल वगैरह हैं सब नए चढ़ाएंगी, मतलब जो हमने कल चढ़ा दिया तो उनको मैं यहाँ से एक तरफ रख लूँगी। तो उन सबको जो है मैं इकट्ठा कर रही हूँ, उनको बाद में फिर मैं गमलों वगैरह में या फिर अगर विसर्जन करने जाऊँगी तो वहाँ पर मैं विसर्जित कर दूँगी, तो जैसा होगा देखूँगी वो आपके साथ अभी शेयर करूँगी। तो गमलों में भी डाल सकते हैं हम इनसे। तो अब यहाँ पर आरती की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर ये अंशु के पापा, और हम चारों मिलके करेंगे आरती। तो आज मैंने भोग में बनाया है हलवा, तो हलवे को मैंने मोदक की तरह बना लिए, तो वो आज हम भोग में चढ़ाएंगे। तो आरती पूजन हमारी होगी और इसके बाद बच्चे अब चले जाएंगे, तो हम यहाँ पर गणेश चालीसा का पाठ करेंगे बाद में आराम से, क्योंकि भी बच्चों को थोड़ा स्कूल का टाइम हो रहा है इसलिए। और अब जो आरती जो मैंने पूरे घर में घुमा दी अच्छे से, और यहाँ पर जो है आपकी प्रसाद वगैरह जो है वो अर्पित कर रहे हैं गणेश जी को, और बच्चों को भी थोड़ा सा प्रसाद दे दूँगी टीका वगैरह लगाने के बाद, अब इनको रेडी करती फटाफट से स्कूल के लिए। बस रुक पे यहाँ पे बस हो गया, लगो सीधा करो ना मुँह, मैंने कहा तुम अपने आप तो अभी हमारी सुबह की पूजा हो गई है, शाम को भी इसी तरह करेंगे। तो अभी जो है फर्स्ट डे और सेकंड डे का मैंने आपके साथ शेयर करें, आगे भी ऐसे शेयर करूँ तब तक के लिए गणपति बाप।